नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा थोरिया। देश में कोरोना की दूसरी लहर कम हो रही है, लेकिन इसके साथ ही कोरोना की थर्ड वेव की आशंकाओं ने सरकार और जनता की टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। इसी कड़ी में अब दिल्ली में भी तीसरी लहर का सामना करने के लिए प्लान तैयार किया गया है। अगर दिल्ली में तीसरी लहर आई और इसके चलते संक्रमण के मामले बढ़े तो इसका मुकाबला ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान से किया जाएगा। आपको बता दें, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार को इस योजना को मंजूरी दे दी है। कोरोना के मामलों में वृद्धि से निपटने के लिए इस योजना में श्रेणीबद्ध कार्रवाई की गाइडलाइंस है। आपको बता दें कि इस एक्शन प्लान के मुताबिक अगर राजधानी दिल्ली में एक हफ्ते में 1500 नए मामले सामने आते हैं या फिर एक हफ्ते में 500 ऑक्सीजन बेड का इस्तेमाल होता है तो येलो अलर्ट जारी किया जाएगा। संक्रमण की गंभीरता के पहले स्तर पर येलो अलर्ट किया जाएगा। इसके तहत दुकानों को ऑड इवन के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इस दौरान मॉल खुले रहेंगे। येलो अलर्ट में मेट्रो सेवाओं को 50% यात्री क्षमता के साथ अनुमति दी जाएगी। जिन यात्रियों के पास यात्रा करने की अनुमति होगी उनके लिए बसें 50% क्षमता के साथ संचालित की जाएंगी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू रहेगा। येलो अलर्ट के तहत रेस्टोरेंट्स को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। होटल खुले रह सकते हैं, लेकिन सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बैंकेट हॉल, योगा और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। येलो अलर्ट में सैलून संचालित किए जा सकेंगे। अगर स्थिति गंभीरता के स्तर 2 पर पहुंच जाती है तो अम्बर अलर्ट जारी होगा। ये तब किया जाएगा जब एक हफ्ते में 3500 नए मामले रिपोर्ट होंगे या फिर एक हफ्ते के अंदर 700 ऑक्सीजन बेड का इस्तेमाल किया गया। अम्बर अलर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक दुकानों को ऑड इवन के आधार पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इस दौरान मॉल भी खुल सकते हैं। 33% यात्री क्षमता के आधार पर मेट्रो चल सकेगी। बसें 50% क्षमता से केवल उन यात्रियों के समूह के लिए संचालित होंगी जिनके पास यात्रा करने की अनुमति होगी। गंभीरता के स्तर 3 पर ऑरेंज अलर्ट जारी होगा। एक हफ्ते में 9000 नए मामले और 100 ऑक्सीजन बेड के इस्तेमाल होने पर ऑरेंज अलर्ट जारी होगा। ऑरेंज अलर्ट के तहत स्टैंड अलोन की दुकानों के अलावा अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। मॉल बंद रहेंगे, वीकेंड बाजार भी बंद रहेंगे, मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन अनुमति वाले यात्रियों के लिए बसों को 50% क्षमता पर संचालित करने की अनुमति होगी। आपको बता दें, ऑरेंज अलर्ट के तहत नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू भी जारी रहेगा। सबसे कड़े प्रतिबंध तब लागू होंगे जब गंभीरता के स्तर 4 पर रेड अलर्ट जारी होगा, और ये तब होगा जब लगातार 2 दिनों तक 5% से ज्यादा की सकारात्मकता दर्ज की जाएगी या फिर एक हफ्ते में 16000 मामले दर्ज होंगे और एक हफ्ते में 3000 ऑक्सीजन बेड का इस्तेमाल होगा। आपको बता दें, रेड अलर्ट में सारी पाबंदियां ऑरेंज अलर्ट की तरह होंगी, साथ ही शहर में पूरी तरह कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। एक्शन प्लान के तहत हर अलर्ट पर स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक स्थान बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन भक्तों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। हर अलर्ट के तहत शादी समारोह और अंतिम संस्कार की अनुमति होगी, लेकिन उसमें शामिल होने वालों की संख्या सीमित होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।